नमस्कार। क्रिकेट के दम से आपको क्रेजी करने के लिए हमारे इस खास शो यानी क्रेजी क्रिकेट के इस माध्यम से हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज आईपीएल के इस सीजन का 34वां मैच खेला जाएगा, जो कि है मुंबई बनाम केकेआर। मुंबई सीएसके के खिलाफ पिछले मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि सितारों से सजी मुंबई की टीम चाहेगी कि पिछली नाकामी से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए आज एक जोरदार वापसी की जाए। दूसरी तरफ बात की जाए केकेआर की, तो एक शानदार जीत दर्ज की थी इस टीम ने आरसीबी के खिलाफ, यानी केकेआर के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में सामने जो मजबूत टीम है मुंबई इंडियंस, उसके लिए भी यहां पर केकेआर कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकती है। आज के मैच से पहले हम बात करेंगे कल जो मैच खेला गया और डेली कैपिटल्स ने अपने ही अंदाज में अपनी चित परिचित शैली को कायम रखते हुए एक शानदार जीत हासिल की है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो दोनों मैच पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुमन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ मौजूद है द वन एंड ओनली देवाशीष सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जिस तरीके से कल दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी जीत के अंदाज को उसी अंदाज में शुरू किया जहाँ फर्स्ट फेज में खत्म किया था। डेफिनेटली अगर हम सारी टीमों को, आठों टीमों को देखें और एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है कि दो टीमें सबसे ज़्यादा बैलेंस लगती हैं हर डिपार्टमेंट में, एक दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल में देखिए जिंकी रेहाने को कोई बैटिंग में जगह नहीं है, स्टीवन स्मिथ को बैटिंग की जगह नहीं है। आज की डेट में देखिए राजस्थान रॉयल्स से स्टीवन स्मिथ आए थे, तो उनके टॉप स्कोरर थे, बेस्ट बैट्समैन थे वो, और यहाँ आने के बाद में ये अपने आप में बताता है कि उस टीम में कैसी प्रतिस्पर्धा है, किस तरह के बल्लेबाज हैं, किस तरह के ऑलराउंडर हैं। अगर आप देखिए तो तीन चार ऑलराउंडर इतने बीच में हैं कि वो आप उनसे बॉलिंग भी करा लीजिए, फील्डर नो डाउट सारे फील्डर बहुत अच्छे हैं। दिल्ली कैपिटल इस बार बहुत डिटरमाइंड लग रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कल भी मैच खेला एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। सनराइजर हैदराबाद के लिए जिस तरह से पहला लग रहा उसी तरह से आगे, उसी तरह की परेशानियां उनके लिए अभी भी बड़ी हुई हैं। पहले कोविड के कारण से दो प्लेयर उनके नहीं खेल पाए, बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ आइसोलेटेड है। आते से डेविड वार्नर जिस तरह की बैटिंग फॉर्म में फर्स्ट लेग में थे, जिस कारण से उनको मिडल ऑफ द फर्स्ट लेग टूर्नामेंट एज ए कैप्टन ड्रॉप किया गया था, कल भी वो उसी व्यथा में थे, उसी तरीके से खेले। और तारीफ करनी होगी अनरिस्ट नोर्तिया की और रबाडा की, दोनों साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं, दोनों ने मिलकर 5 विकेट लिए और कहीं पे भी ऐसा लगने नहीं दिया कि ओपोनेंट वापस से गेम में आ पाए। और ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और वो इस बार टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार हैं। तो भले क्षेत्र रक्षण की बात की जाए, बल्लेबाजी की बात की जाए या फिर गेंदबाजी की बात की जाए, दिल्ली कैपिटल्स अपने हुनरमंदों के साथ शानदार हुनर का यहाँ प्रदर्शन कर रही है। तारीफ करना होगी उनके गेंदबाजों की, खासतौर पर नोर्तेरा जिसने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 गेंदें फेंकी है और 8 बॉल ऐसी फेंकी है जिस पर बल्लेबाज रफ्तार के कारण बहुत ज्यादा परेशान हुआ है। रबाड़ा और इनकी जोड़ी पर क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली देखिए यही फर्क पड़ जाता है कि आपके बहुत टाइम बाद जो चारों फास्ट बॉलर्स है ना, नोचे रबाड़ा, फिर आपके आवेश और स्टॉइनिश, चारों ने जो एक प्रेशर एक के बाद एक बनता रहा, कहीं भी ऐसा कोई रिलैक्स नहीं हुआ कि ये बॉलर चला गया तो मैं लिबर्टी ले लूं, वो लिबर्टी कहीं भी किसी भी बॉलर ने नहीं दी। और ये एक कॉम्बिनेशन बहुत रेयर दिखता है, जो मुझे लगता है कि और वही उनकी स्ट्रेंथ भी है। जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि आप अगर दिल्ली की टीम एक ऐसी टीम है कि आपको हर फील्ड में ऐसा लगता है कि बैलेंस बना हुआ है, ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, अगर बैट्समैन आप देखेंगे तो चारों टॉप बैट्समैन हैं, फिर बॉलर्स, आप जब बॉलर्स पे आते हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस बॉलिंग लाइन है, जो मुझे लगता है कि अभी हम देखते हैं तो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक मुझे देखने को मिलता है। और जो कॉम्बिनेशन और जो प्रेशर बना के, देखिए हम बात करते हैं कि बैटिंग में ही पार्टनरशिप नहीं होती, पार्टनरशिप बॉलिंग में भी होती है, और यही चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली है कि अगर जैसे आवेश को विकेट नहीं मिला लेकिन आवेश ने वो प्रेशर बना के रखा, ऐसा नहीं हुआ कि मैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स में चल रहा हूँ और मुझे विकेट नहीं मिल रहा है तो एक डेस्परेट है या मुझे अपनी टेली को और बढ़ाना है, वो डेस्परेशन नहीं दिखा। वहाँ ये दिखा कि नहीं, मुझे कॉम्बिनेशन लेके चलना है, मुझे पार्टनरशिप में बॉल करना है, मुझे प्रेशर बना के रखना है ताकि मेरे ही पार्टनर को उसका एडवांटेज मिलेगा।
तो दूसरे एंड से वो एडवांटेज मिलता है, तो 5+3 स्टॉइनिश के हैं, तो आपके 8 विकेट तो फास्ट बॉलर्स ने ले लिए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि इसकी बहुत दिल्ली डेयर डेविल्स की एक जो कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ है वो इनका ये बॉलिंग अटैक है। सर सनराइजर्स हैदराबाद, अब ऐसा लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में इसके लिए टीम के लिए कोई होप नहीं है, क्योंकि जहां पहला लेग हमने देखा छोड़ा था उसी लेग से इस टीम ने वापस शुरू किया है एक शर्मनाक पराजय के साथ, क्योंकि एक बड़ी हार यहां पर हुई, और अब लगता नहीं कि टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा उम्मीदें इस टीम से की जा सके। नहीं देखिए एलिमिनेट ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के फेज पे आ चुके हैं, आप उनके लिए करो या मरो, लगभग हर गेम जीतनी होगी, अपनी टीम को जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं वो उनकी टीम से एक्सपेक्टेड नहीं है। कल भी अगर हम देखें तो राशिद खान और अब्दुल समद का अगर स्कोर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि 110 तक भी ये लोग पहुंच पाते। अब्दुल समद एक और ऑलराउंडर टैलेंट है जो जम्मू कश्मीर से आता है, बहुत अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और अच्छा प्रोस्पेक्ट है इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले समय में। राशिद खान अपने आप में चैंपियन बॉलर तो है ही है, बैट्समैन भी बैटिंग में भी वो अपना हाथ दिखाते हैं। कल उन्होंने 22 रन बनाए 19 बॉलों पर, अब्दुल 28 रन बनाए 21 बॉलों पे, तो इन दोनों के कारण से 42-43 रन बनने से 134 रन 9 विकेट के ऊपर सनराइजर हैदराबाद एक पोस्ट कर पाई, जो दिल्ली जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, और एक मैं तो ऐसा कहूंगा कि उन्होंने एक बैटिंग प्रैक्टिस करके वो मैच इजीली जीता, 2/13 बॉल बचे हुए उन्होंने इस मैच को जीत लिया। सनराइजर हैदराबाद के अगर टीम कॉम्पोजिशन हम देखें तो वो इतनी बुरी नहीं, बारिंग एक मिडिल ऑर्डर की हम बार बार बात करते हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, फ्रजाइल हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर नहीं, पर आप टॉप में अगर बात करेंगे तो आपके पास में केन विलियमसन जैसे बैट्समैन है, डेविड वार्नर जैसा बैट्समैन है, ऑल्दो जॉनी बेस्टो नहीं आए हैं इस बार, विद्यमान साहा अच्छी बैटिंग करते हैं और मनीष पांडे एक सीजन प्लेयर हैं, आप उनके साथ में और फिर बाद में आपके जो मिडिल ऑर्डर है वन ऑफ, देखिए 2020 में आपको एक या दो बैट्समैन क्लिक होने चाहिए, हम 7 बैट्समैन, 5 प्योर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, फिर उसके बाद आजकल जो टेलेंडर भी हम बोलते हैं वो भी ऑलराउंडर ही होते हैं, 9वें 10वें नंबर के ऊपर हर टीम के पास आपको बैट्समैन मिलेंगे जो आकर क्विक 12-15-20 रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए, जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके की विनिंग स्कोर के लिए। तो ये क्रिकेट जो हम बार बार बोलते हैं दिमाग से खेला जाता है, आप जिस तरह के मोमेंटम में जब रहते हैं, जिस तरह की सिचुएशन में रहते हैं आप, अगर आप नेगेटिव में हैं, हार रहे हैं तो आप डेफिनेटली नेगेटिव सोचते हैं, आप ज्यादा सोचते हैं कि मैं किस तरह से जो गलत कर रहा हूं उसको गलती ना करूं, वो ज्यादा सोचने से गलती बार बार रिपीट होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद भी ऐसे कर रहा है। भुवनेश्वर कुमार इतने अच्छे बॉलर हैं, क्लिक नहीं हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, तो हर टीम हर फ्रेंचाइजी चाहती है जीतना, हर प्लेयर चाहता है कि जब वो ग्राउंड पे जाता है तो उनके सामने एक एम होता है कि हमें जीतना है, बट जो टीम जिस दिन अच्छा खेलती वही जीतती है। सनराइजर हैदराबाद के लिए ये बहुत ही अलर्ट वाला समय है कि करो या मरो, नहीं करेंगे तो अब आगे कोई होप लग नहीं रही है, जबकि पोटेंशियल क्वालिफायर में से पहली 6 टीमें अगर हम मान लें तो उनमें से ये टीम डेफिनेटली आती है, 4 तो होते ही हैं, 5वें 6वें में केकेआर को आप ले लीजिए साथ में और सनराइजर हैदराबाद को लीजिए, ये 6 टीम है जिनसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा क्रिकेट डिस्प्ले करेंगे और IPL के जो स्टैंडर्ड बन गए हैं उन पर खरा उतरेंगे। देवाशीष सर एक और यहाँ पर, वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जश्न मनाने के बहुत अवसर है, लेकिन एक खास बात है कि श्रेयस अय्यर फॉर्म में दिखाई दिए, एक अच्छा संकेत है, एक लंबे ब्रेक के बाद कोई खिलाड़ी आता है तो कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है, एक सेट होना पड़ता है, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा लगा कि सेट होकर ही आया था और दिल्ली के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही है, देखिए क्या कि वो बहुत सीजन क्रिकेटर है, उन पे मैं नहीं समझता कि कोई प्रेशर जैसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि मुंबई को भी लीड किया उन्होंने और इस दिल्ली को भी लीड कर रहे थे, जब वो अनफिट हुए तो उसके लिए उन्होंने ऋषभ पंत को रिप्लेस करके, और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ हो गई, अगर वो कप्तानी करते तो हो सकता था कि थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर होता, वो कप्तानी का बोझ नहीं था इसलिए भी, और जिस तरह से जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने, और उन्होंने हमेशा इम्प्रेस किया है और जिस मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है बहुत कूल होके, और इनिशियली हम देख रहे थे जब मैच देख रहे थे तो वो बीट भी हो रहे थे, बट वो बीट होने के बाद भी कहीं उन्होंने वो पैनिक सिचुएशन नहीं हुई, उनको मालूम था कि मुझे एक लंबे ब्रेक के बाद आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा समय व्यतीत करना होगा ग्राउंड विकेट पे, और जैसे जैसे रिदम आ गया उसके बाद आप देखिए कितने कॉन्फिडेंटली और
कोई एक बहुत छोटा स्कोर भी नहीं कह सकते थे कि 135-40 का स्कोर कुछ बहुत छोटा नहीं होता, या 90 जैसा है तो 90 का जब आप चेस कर रहे थे तो केकेआर ने चेस किया तो उनको कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन 130-40 का स्कोर भी एक डिसेंट सा स्कोर हो जाता है जहां मैच कहीं भी टर्न हो सकता है। उसमें उन्होंने एक बहुत जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी निभाई की है, और एक ऋषभ पंत को भी लेके खेले हैं, जब आपस में दोनों बात करते रहे और दोनों नॉट आउट लेके गए हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि वर्ल्ड कप के लिए भी एक उनको वापस जो कमबैक कर रहे हैं और एक जो रिदम चाहिए वो रिदम मिल रहा है, और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है उनमें और उन्होंने हमेशा शो किया है, तो एक इट इज़ अ गुड साइन। मैं तो बोलूँगा देवाशीष, इस तरह की जो मैचेस होते हैं और खास तौर पे ऐसे प्लेयर जो इंजरी के बाद में वापस आए हैं, तो जब आपको बहुत ज़्यादा स्कोर चेज नहीं करना और यू आर हैवीली लोडेड विद बैट्समैन, आपके पास ऑलराउंडर इस तरह के हैं कि वो 9-10 रन के इजीली एक ओवर में बना सकते हैं, तो एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आना, फिर वो बैटिंग प्रैक्टिस होना और आपको खेलना और नॉट आउट जाना, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो श्रेयश अय्यर के साथ हुए। कल दो चीज और हमें दिल्ली कैपिटल से लिखी, एज एक्सपेक्टेड हम चाह रहे थे कि रविचंद्र अश्विन 250 विकेट की उसमें आ जाएं कैटेगरी में, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, उनको एक मैच और वेट करना पड़ा करने के लिए। कैच ड्रॉप होने के बाद थोड़ा रिएक्शन भी उनका बड़ा नाराजगी वाला, बहुत एक लैंडमार्क है जिसको रिकॉर्ड को अचीव करना चाह रहे हैं, और तीसरे हिंदुस्तानी बॉलर होंगे पीयूष चावला और अमित मिश्रा के बाद में। और वहीं पे अगर हम गब्बर की बात करें शिखर धवन की, क्या तो कल उन्होंने फिर से 42 रन बना के 37 बॉलों के ऊपर अपनी ऑरेंज कैप केएल राहुल से वापस ले लिए, तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सबको देखने में अच्छा लग रहा है, और एक ऐसा लग रहा है कि कोई टीम जो है डिसाइड करके आई है कि नहीं हमें कुछ मार्क छोड़ना है। पिछली बार भी देखिए वो अनफॉर्चुनेट रहे कि रनर अप रहे, फाइनल्स में हारे, और इस बार फिर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं हम कहीं उनको पहले चार में तो डेफिनेटली वो है ही है, कहीं पर भी फाइनल में हम उनको जरूर देखें। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स के जीत का सिलसिला क्रम जारी है, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी बुरे दौर का क्रम जारी है। अब देखना यह भी खास होगा कि क्या सनराइजर हैदराबाद वापसी की स्थिति में है, जो कि फिलहाल तो नामुमकिन सा दिख रहा है, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर देखना खास होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट में एक बार फिर अंक तालिका में नंबर 1 पर आ गई है। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, तो मौजूदा चैंपियन यानी मुंबई इंडियंस आज 6 नंबर की जो टीम अंक तालिका में उससे मुकाबला खेलने जा रही है केकेआर। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड 28 मुकाबले हुए हैं, और ये आंकड़े अगर हम देखें कि जीत और हार में किसका पड़ला भारी, तो जाहिर सी बात है मुंबई इंडियंस भारी, क्योंकि 22 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने केकेआर से छीने हैं। तो ये आंकड़े जरूर डरा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट T20 फॉर्मेट अनिश्चितताओं का खेल है, सब कुछ संभव है, और जिस तरीके से पिछले मुकाबले में केकेआर ने अपनी ताकत का एहसास कराया, जाहिर सी बात है थोड़ी चिंता यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए भी हो सकती है। अभिषेक, इससे और ड्रामेटिक फिगर ये भी है कि अगर लास्ट 13 मैच देखा जाए तो उनमें से 12 जो है मुंबई इंडियंस जीती है। अब तो सर मुझे भी डर लगने लगा। तो ये देखिए, फिर भी ये आंकड़े आंकड़े होते हैं, गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम अच्छा खेल की देखिए वहां जाके जो प्लेयर अच्छा खेलेंगे वो टीम जीतेगी। और एक अच्छी हटनी बात जो है वो केकेआर के लिए हो सकती है कि उनके दो टॉप प्लेयर जो हैं जो मैच विनर हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांडे, दोनों इंजरी के कारण से नहीं खेल पा रहे हैं। हो सकता है रोहित आज खेल पाए या ना खेल पाए, अनसर्टन है, और ये दो अगर कम होते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों टीम के बीच में जो है बहुत अच्छा मैच देखने को आ जाता है, बहुत अच्छा मैच। और ऑन द कॉन्ट्ररी देखिए दो चीज है, मुंबई इंडियन पहला मैच हारकर आई, जो टीम हार के आती है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा शेकी रहती है, प्रेशर में रहती है कि हम एक मैच हारकर आए हैं, अच्छा नहीं किया, क्योंकि दिमाग में क्रिकेट है, दिमाग में जिस तरह से अगर हार कर आए तो दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है कि यार मैंने पिछली बार ऐसा नहीं किया था इसलिए हम हार गए, या हम ऐसा नहीं कर पाए हमें ऐसा करना, ज्यादा सोचने के ऊपर आप ज्यादा गलती करने के चांसेस हैं। वहीं अगर आप जब जीत के आए होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है, और आप जो चीज आपको मिस भी जहां करनी है फील्डिंग में वो भी आप रोक लेते हैं, कैच जो नहीं भी पकड़ना होता वो भी पकड़ा जाता है, और एज ए बैट्समैन आप कहीं पर भी किसी को उठा के मार देते हैं। वहीं पे केकेआर जो है पिछला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत गया, ये आरसीबी को उन्होंने 92 रन पे आउट किया, क्लीन विन थी एकदम से, मतलब किसी ने रेट नहीं किया था कि वो मैच ऐसा वन साइडेड होगा, पर जिस तरह की बॉलिंग रसल नारायण ने करी, सुनील नारायण ने करी, चक्रवर्ती ने करी, और बाकी जो टीम ने उनको सपोर्ट किया,
इट वॉज वंडरफुल। और मुझे लगता है कि अभी खास तौर पे कुछ प्लेयर, देखिए ब्रेक होने के बाद में बहुत सारे प्लेयर 2020 नहीं खेल पा रहे थे, पर बहुत सारे प्लेयर सीपीएल से, कैरेबियन प्रीमियर लीग से खेल कर आ रहे हैं। उनमें से दो मेन प्लेयर, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, रसल अलन और सुनील नारायण जो है, ये दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देकर आए हैं। और इधर चक्रवर्ती जो हैं, वरुण चक्रवर्ती जो हैं, वो श्रीलंका में 2020 और वनडे खेल कर आए हैं। जो बी टीम हमारी गई थी उसमें, वो भी उसमें उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो वी आर इन फॉर ए वेरी गुड मैच टुडे। कितनी ज्यादा यहाँ चुनौती होगी मुंबई के सामने? एक तो वेंकटेश अय्यर पिछली बार जीत के नायक रहे, नाबाद लौटे थे, आंद्रे रसेल बल्लेबाजी नहीं तो गेंदबाजी में अपना काम करके बताया, और तीसरा जो खिलाड़ी है सबसे महत्वपूर्ण चक्रवर्ती, जिसकी चक्री ऐसी घूम रही है कि बल्लेबाजों को होश संभालने में भी मुश्किल हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, रोहित और हार्दिक दो ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को कभी भी किसी भी स्थिति से टर्न कर सकते हैं, वो दोनों नहीं है। तो वहां पे जो एक प्रेशर हम देख रहे हैं सर कि मुंबई स्पिनर्स के आगे ये बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष करते दिखे। देखिए क्या होता है कि फिर उसके बाद आप पे अब जो जिम्मेदारी आती है वो सूर्य कुमार यादव पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, पोलार्ड पे आ जाती है। लेकिन ये दो जो थे जिनका जिनका टीम में होने से, खड़े रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ पे जैसे हमने बात की कि स्पिनर्स पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल करने फंसने जैसी स्थिति होती है, और वहीं इनके जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज मुझे जो लगती है कि केकेआर को बॉलिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की, वो बॉलिंग का एक बहुत अच्छा जो एक प्रेशर है वो हट गया उनके, एक कॉन्फिडेंस मॉरल बूस्टिंग था उनके लिए कि 100 के अंदर आउट करना एक बड़ी स्टार टीम को। लेकिन हमें ये भी अभी देखना पड़ेगा अब से कि बैट्समैन, दो ही बैट्समैन बैटिंग कर पाए, बाकी बैट्समैन ने बैटिंग नहीं की है, तो वो प्रेशर को कैसे अभी बाकी है वो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बॉलिंग साइड इनका भी मुंबई का भी बहुत अच्छा है। तो अब ये देखना है कि वो बाकी के जो बैट्समैन है अगर उनको जब मौका मिलता है तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे सर मुंबई की हम एक समस्या यहाँ देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर से ये टीम 2020 की तुलना में यहाँ बदली हुई दिखाई दे रही है। 2020 में मिडिल ऑर्डर शानदार प्रदर्शन कर रहा था लेकिन यहाँ पूरे समय संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, अगर हम फर्स्ट लेग की बात करें तो फर्स्ट लेग में उनको चेन्नई जैसा जो स्लो और टर्निंग विकेट था उसमें 5 मैचेस उन्होंने खेले, और 5 मैचेस बहुत सारे होते हैं, और उस तरह के जैसा कि अभी हमने देवाशीष ने बोला कि वो फंसते नजर आते हैं स्पिन के सामने। तो अगर आप देखेंगे जो जो आपका होम ग्राउंड होता है उनका, मुंबई का मुंबई में है, वानखेड़े में है, वो वहां प्रैक्टिस करते हैं, वो फास्ट बॉलर्स के लिए बनी हुई विकेट है। वही चेन्नई की हम बात करते हैं तो चेन्नई जो है स्लो स्लकी विकेट पे खेलता है, जहां पे स्पिनर्स को आप जैसे विकेट पे खेलेंगे उसको उतने बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे। वहां मीडियम पेसर फास्ट को खेलते हैं, तो देखिए जब भी अगर वो बैटिंग ट्रैक होगा या ठीक ठाक होगा जहां पे ज्यादा स्पिन नहीं है या मोमेंट नहीं है, वहां मुंबई देखिए 200-220 रन के आसपास का स्कोर करता है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि अब यूएई में जो है मुंबई को एडवांटेज है, क्योंकि वो चेन्नई जैसी स्लो सर्विस विकेट के ऊपर इतने मैचेस खेल के आए हैं। 3 मैचेस केकेआर ने भी खेले हैं वहीं पे, पर केकेआर के पास में स्ट्रेंथ उनकी स्पिन बॉलिंग है कि वरुण चक्रवर्ती की हमने बात करी है कि कितनी शानदार बॉलिंग वो कर रहा है, सुनील नारायण अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रसल ऑनर्ड अच्छी करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णन ने जिस तरीके से कप्तान कोहली को आउट किया बहुत इंप्रेसिव है, उसकी लाइन एंड लेंथ उस बच्चे की जो है, और वो रन भी इतने नहीं देता, और कुछ होते हैं बहुत शांत स्वभाव के बॉलर रहते हैं, जबकि फास्ट बॉलर नॉर्मली अग्रेसिव होते हैं, बहुत जोशीले होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, अपना एग्रेशन दिखाते हैं। उस बच्चे को कभी भी हमने आज तक दिखाते हुए नहीं देखा, उसकी बॉल ही उसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो बॉलिंग लाइनअप उनकी अच्छी है। आप जहां तक मुंबई के मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं फिर बार-बार बोलता हूं कि हम 7 बैट्समैन की बात करते हैं कि हमारे पास हैं, 4 बॉलर हैं या 3 बॉलर हैं, 2 ऑलराउंडर हैं, 5 बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैन हैं। आपको 20 ओवर खेलने हैं, सिर्फ 120 बॉलें खेलनी है, 120 बॉल खेलने के लिए आपके 2 बैट्समैन या 3 बैट्समैन ही बहुत है, एनफ है, उससे ज्यादा नहीं। देखिए हर बैट्समैन हर मैच में चलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बैट्समैन को आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक गेंद की जरूरत है, तो उनमें से कोई भी एक क्लिक करेगा। आप देखिए सब के सब, क्विंटन डीकॉक की बात करिए, अभी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को सारे मैचेस जिता के हैं श्रीलंकन में, अपने आप में बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा आएंगे वापस तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी किस किस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, हम सब उनको अच्छे से जानते हैं। तो मुंबई इंडियंस में भी अभी थोड़ा सा 1-2 मैचेस की बात है, पर दे विल कम बैक स्ट्रांग, और बहुत अच्छी टीम कॉम्पोजिशन उनके पास में भी, एक अच्छा क्रिकेट हमें आज भी देखने को मिले।
सर वैसे आज केकेआर के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा होगी क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और बुमराह जैसे गेंदबाज शुरुआत करेंगे तो यहाँ वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल और पूरे मिडिल ऑर्डर के लिए भी इतना आसान नहीं लगता। नहीं, अब देखिए क्या होता है कि जैसे बॉलर को आप पिछला मैच भी जब देखते हैं और आपने ये भी देखा कि जहां हम स्लॉग ओवर्स को या डेथ ओवर्स का हम माहिर मानते हैं, वहीं बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने बहुत बहुत ज़्यादा रन दिए हैं, है ना। वो मैच जो गया उनका वो यही हुआ कि आप वो डेथ ओवर्स को संभाल नहीं पाए, तो वहाँ पे हर बार एक फॉर्म आपका एक सा नहीं होता है। तो जब आप एनालाइज करते हैं और आप देखते हैं कि वो ख़राब कर सकते हैं तो उसमें बैट्समैन को भी डेफिनेटली एक मॉरल बूस्टिंग होता है, उनको भी लगता है कि नहीं, वो फिर उस तरह से एनालिसिस शुरू हो जाता है कि उस मैच में कैसा सामने वाले ने कैसा खेला है या कैसा बॉल डाला है, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो जैसा बताया कि 20 ओवर का खेल है, आपके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करना है आपको। जैसे हमने बात की थी कि एक मैच में हम बात कर रहे थे, आप ही ने बताया था कि 20 ओवर में से 2.5 ओवर उन्होंने डॉट चली गई, 17.5 ओवर में, तो एक टीम को 17.5 खेलने पड़ रहे हैं, दूसरी को 20 खेलने पड़ रहे हैं, तो वो 2.5 ओवर का डिफरेंस है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है। तो वही है कि जितनी डॉट बॉल्स को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना कन्वर्ट कर सकते हैं वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोनों बहुत सीजन बॉलर हैं और दोनों नए बॉल पे और डेथ ओवर्स में दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों बहुत अच्छा बॉल डालते हैं। वही होगा कि आप कैसे इनको यूटिलाइज करते हो। अब देखिए, जिस मैच में दोनों एक्सपेंसिव हुए उस मैच में अगर आप देखोगे तो सामने वाले बैट्समैन ने कोई बहुत बड़ी हिट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वही धीरे से उसको डायरेक्शन देने की कोशिश की। तो वहीं आपका होता है कि जब आप बुमराह को अगर खेल रहे हैं और आप बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं तो आपका बैकलिफ्ट बहुत ऊपर वैसे ही हो जाता है, और वहां से आप जब मारने जाते हैं वहां आप अगर उसकी बॉलों को सिर्फ अगर डायरेक्शन ही दे सकते हैं, जैसे देखिए लास्ट ओवर में वो जो छक्का है कि सिर्फ फ्लिक किया और डायरेक्ट किया बैट से, तो वो एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। वो माइंड सेट उस तरीके से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका, क्योंकि सोचने को बहुत थोड़ा सा समय होता है, पर वहाँ पे आप कैसे एंटिसिपेट करते हो और कैसे आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो, बहुत ज़्यादा उस पर ना जाके आप धीरे से भी अगर इम्प्रोवाइज करके गैप ढूंढ के रन बना सकते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ शुभमन गिल, वेंकटेश है या और भी जो बैट्समैन आएंगे, नितेश राणा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर और ये सब अच्छा करके आए हैं, और ये वो यंगस्टर्स हैं जिनको किसी का प्रेशर नहीं होता, बुमराह है या बोल्ट है या कोई ऐसा कोई बड़ा बॉलर है उसका प्रेशर इन लोगों को नहीं होता, यही आईपीएल की खासियत भी है। देवेशीष, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली अभी जो हमने बात करी कि ये 13-12 कि लास्ट 13 में से 12 मुंबई जीता, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो केकेआर की जीत में रसल रॉनल्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो इतने डिवास्टेटिंग और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है कि आते हैं एक दो ओवरों में भी 30-40 रन बना देते हैं आकर, और कहीं ना कहीं मुंबई ने उनको चेक कर रखा है, मार्क कर रखा है। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह ने पिछले 50 जो बॉले उन्होंने 51 बॉले 40 बॉल करी है जिससे 51 रन रसल रॉनल्ड को सिर्फ दिए और 3 बार उसको आउट किया। तो उस तरह के बैट्समैन को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करें, एक बैट्समैन है जो किसी से रुकता नहीं, वो हर एक को उठा उठा के मारता है, और अगर आप वो पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ किसी टीम की है उसको अगर आप रोक देते हैं तो एक ऑर्डिनरी टीम हो जाती है। ऑर्डिनरी टीम होने के बाद में फिर आपकी जो सामने वाला अपोनेंट है वो आराम से उसमें काम कर सकता है। वहीं अगर हम दिनेश कार्तिक की बात करेंगे तो उसने बुमराह की अच्छी बैटिंग करी है, 33 बॉलों पर 55 रन बनाए और एक बार भी आउट नहीं हुआ है, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। और जहां तक हम बात करेंगे पोलार्ड की, तो पोलार्ड को रसल ने बहुत तंग किया है उसमें, अभी तक उन्होंने 25 बॉलों में सिर्फ 16 रन बनाए हैं रसल के अगेंस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़े प्लेयर हैं। पोलार्ड को हम डेथ ओवर में अच्छी लंबी लंबी शॉट मारते देखते हैं, मिडल ऑर्डर में आते हैं वो, रसल को देखते हैं वो आते हैं तो आके गेम को पूरा चेंज कर देते हैं, हारी हुई गेम को जिता के ले जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो टीम्स मार्क करती हैं कि कौन सा अपोनेंट बैटिंग में कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा बॉलर अच्छा है, किसको रोक के चलना है। और 2020 में 120 बॉल खेलनी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका माइंडसेट, हम दर्शकों का भी माइंडसेट जो होता है कि वो 120 चौके या छक्के ही लगने चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
छह बॉल एक ओवर में होती हैं, अगर आपने एक सिंगल बाउंड्री मारी, चार रन बनाए, हम छह भी नहीं बोलते, और आपने पांच सिंगल लिए तो नौ रन होते हैं, बीस ओवरों में 180 रन होते हैं। 180 रन बोलने में बहुत आसान लगता है, चेज करने में आप बढ़ा कर देखेंगे तो 90% टीमें फेल हो जाती हैं। 90% अगर आपने 180 प्लस रन बना लिए हैं और आपके पास ठीक ठाक बॉलिंग अटैक है, यू आर लाइकली टू विन दिस मैच। मुझे लगता है इतना ही चीज करने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद में बीच बीच में तो ऐसा होता है कि एक आध ओवर आपके पास आएगा जो 20 रन का आएगा या 25 रन का आएगा या 15 रन का आएगा, तो एड अप करके वो आपको 220 पे ले जाता है। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे देवाशीष ने कहा, वो रखना और ये सोच के कि हमें करना क्या है, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है, हमें हमारी स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमारी स्ट्रेंथ पे जो टीम खेलेगी वो टीम इसमें जीतेगी। देवाशीष सर, आज का मैच अंक तालिका के लिहाज से कितना ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ अगर केकेआर जीतती तो जाहिर सी बात है एक लंबी छलांग लगा लेगी, और मुंबई इंडियंस अगर ये मैच हारती है तो परेशानी खड़ी हो जाएगी और अंक तालिका का जो मुकाबला है वो बहुत रोमांचक स्थिति में आ जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि केकेआर छठे नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं वही प्लेऑफ के लिए, और जहां पे आप एक बार ऊपर चढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली एक मॉरल बूस्टिंग होता है, और आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो एंथुजियाज्म बढ़ता जाता है आपका, और उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपके एफर्ट्स और आपके एक थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। जो टीम थोड़ा सा डाउन होती है, अब उसको क्या है कि जब आप इस स्थिति में है और जब आप सडनली आ जाते हैं तो आपको इसको ऊपर बढ़ना है और आपको वो ट्रैवल करना है, तो आपको डबल स्पेस को ट्रैवल करना में थोड़ा सा डेफिनेटली कठिनाई होती है। सर कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे दोनों टीम के मध्य की। बिल्कुल, आज दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। केकेआर के लिए शुभमन गिल जो है वो 50वां आईपीएल मैच खेलेंगे, यंगस्टर हैं, इंडिया के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, हमने देखा इंग्लैंड में भी वो कैसी कंडीशन में जाके किस तरह से खेल गए, सब उनको बहुत हाई रेट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि एक भविष्य का ओपनर हमारे लिए फिक्स है। उसके बाद में अगर रोहित शर्मा आज खेलते हैं और 18 रन बनाते हैं तो वो 1000 रन किसी एक सिंगल फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट अभी तक किसी बैट्समैन ने मार्क अचीव नहीं किया, तो पहले बैट्समैन हो जाएंगे जो किसी एक स्पेसिफिक केकेआर की बात करेंगे, तो केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने अभी तक 982 रन बनाए हैं 46.76 की एवरेज से और 133 की स्ट्राइक रेट से, तो पहले बैट्समैन हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी गेंद से 1000 रन स्कोर करेंगे। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स निकालें तो यहां केकेआर हर जगह से दबाव में दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी अब कार्यक्रम को अपने अंत की तरफ ले चलते हैं, और सवाल हमारा कि कौन सी फेवरेट टीम है। वैसे देवाशीष सर कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल आप एब्सेंट थे वो हमने नोट कर लिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कल मैं अकेला फंस गया था, क्योंकि कल मुझे सनराइजर्स हैदराबाद मिली और सर और पल्लव जी जो कल आए थे उन्होंने कल अपनी पसंद दिल्ली कैपिटल्स रखी थी, तो क्या आज मुझे सहयोग मिलेगा कि मुझे आज टीम लेना पड़ेगी? सर पहले आपकी टीम। मैं तो मुंबई के साथ ही जाना चाहूंगा, ऑल्दो मैंने जैसे कहा कि अभी दोस्त मेन प्लेयर जो है मुंबई के पक्का नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनमें से एक खेलेगा या दोनों नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन दो को भी बाहर कर दिया जाए, अनमोल प्रीत उनकी जगह खेलेंगे और जो भी हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से, फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुंबई टीम एक मुझे एक बैलेंस टीम दिखती है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली टीम दिखती है, और कहीं ना कहीं अगले आने वाले भविष्य का जो 2020 के कैप्टन है वहीं से ही आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ दिखाने के लिए कि आप देखिए मैं भी मेरी टीम के साथ ये कर सकता हूं, मैं मेरा साथ मुंबई के साथ। ये माइक्रो लेवल के आंकड़ों के आधार पे निकाली गया पूरा सर है पूरा, आपको क्या लगता है सर? नहीं, हम तो ये कहेंगे भावनाओं में ना बहा ले। जैसा परफॉर्मेंस पिछले मैच में केकेआर ने किया, और जैसे सुखदेव भाई ने भी बोला कि ये दो बड़े प्लेयर्स की अनुपस्थिति निश्चित तौर पे मुंबई के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक मैच हारे हो आप और दूसरा उनके ना होने से दूसरे बैट्समैन को प्रेशर हो जाता है कि हमको ये भी दिखाना है कि रोहित और हार्दिक नहीं है, उसका एक प्रेशर होता है, और उसके बाद अगर उनके नहीं होने से आप हार गए हो तो एक वो भी हो जाता है कि देखो वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो वो एक प्रेशर रहेगा। और जिस तरह से केकेआर ने बॉलिंग में मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मुंबई के लिए आसान राह कतई नहीं होगी, और हम तो कहेंगे खेला होगे फिर हमारा बच्चा भी खेल रहा है।
तो यहाँ मुंबई की ताकत यदि उसके बल्लेबाज हैं तो केकेआर के पास में उसकी ताकत धारदार गेंदबाजी है। यानी कुल मिलाकर गेंद और बल्ले के बीच एक शानदार बैटल हमारा इंतजार कर रही है और हम जैसे क्रिकेट फैंस को इससे अच्छी क्रिकेट की दावत और क्या मिल सकती है। तो इंतजार है एक शानदार मैच का। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीएनआई न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।